गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी करने। अभी बज रहे हैं यहाँ के 4 और काफ़ी गर्मी है, इसलिए मैंने ऐसे थोड़े पतले पतले शर्ट जैसा पहना हूँ, बट हो सकता है वहाँ पे रात में ठंडी हो तो पता नहीं, देखते हैं। मैंने बैग में एक्स्ट्रा टी शर्ट्स तो कैरी किया अगर जस्ट इन केस मुझे ठंडी लगे। तो अभी हम लोग सब रेडी है, सब मतलब इसमें नगमा दीदी और पलोमी नहीं आने वाले क्योंकि उन लोग का थोड़ा सा लाइव सेशन था और वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा। हम लोग जा रहे हैं नारा एस्केप करके एक जगह पे, जहाँ पे लग्जरी डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। तो देखते हैं अभी क्या है। मैंने कर तो चुका हूँ, 1-2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ डेजर्ट सफारी, बट ये वाला बोल रहे हैं कि कुछ अलग और नया होने वाला है। तो अभी हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को जाना है, कुछ आधे घंटे का रास्ता है तो डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग डेजर्ट पहुँच चुके हैं नारा एस्केप के कैंप के पास जाने। तो ये गाड़ी है, इसमें हम लोग अंदर तक जाएंगे। काफ़ी धूप है बट ठीक है, थोड़ा अच्छा वेदर ही है। ये वाला थोड़ी वो है जो ऊपर नीचे लेके जाएगा, ये थोड़ी कुछ करेगा पागल, इसमें वो नहीं है। वो बोला भी था ना कि अपने को आराम से लेके जाएंगे टू द स्पॉट, अपने वहाँ पे अपना एक झोपड़ा होगा वहाँ पे, खुद का प्राइवेट जिसके अंदर एसी होगा, है ना, प्राइवेट झोपड़ा। मैं फोन बोल रहा है, जस्ट अ मोमेंट। सीरी भाई आप क्यों पीछे आते हैं? इतना क्या बोलना चाहेगा तू? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट, सीरी भाई जब देखो आ जाते हैं तो मैं ऐसा क्यों, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर जगह मुझे खाली रेत ही रेत। इतना धूप नहीं लग रहा है क्योंकि अच्छे टाइम पे आया। नहीं अच्छा टाइम, आई थिंक परफेक्ट टाइम पे आया, मजा आएगी तेरे को। राजस्थान लग रहा है, रफ वीडियोस बनाते सुलता है राजस्थान में। राजस्थान लग रहा है तुझे? ठीक है तो नेक्स्ट टाइम तुझे राजस्थान ही लेके जाएंगे, जितना खर्चा करके आने लगेगा। हम लोग क्या अरनाला में भी आए थे, अरनाला में डन, तू और रजी अरनाला जाएगा नेक्स्ट टाइम और हम लोग आएंगे इधर पे। ये गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और अच्छा बहुत ही काफ़ी प्यारा सा वेदर है यहाँ पे। मतलब ऐसे धूप भी है बट ऐसे नहीं है कि जल के राख हो जाएंगे, ऐसी वाली धूप है। और ये बहुत ही प्राइवेट वाला कैंपिंग है, यहाँ पे सारे लोग नहीं हैं, बहुत ही कम लोग हैं, मतलब हम लोग का ग्रुप है और मुश्किल से 2-3 लोग होंगे। ये मैडम मेरे हाथ में सामान देके फोटो शूट कर रही है, क्या पकड़ो, अच्छी लग रही है। भाईजान अपना फोटो शूट करा रहे थे और टोपी उड़ गई भाईजान की। तो अभी सबका मस्त वाला फोटो शूट चालू है, इधर भाईजान और सुल्तानी लोग कर रहे हैं, वहाँ पे अनम कुछ तो अपना शूट कर रही है। मैंने भी 2-3 पिक्चर लिया हूँ फोन में, बट ऐसे ही लोग का होता है तो फिर मैं भी लेता हूँ कैमरा में। क्या फायदा इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर के बिना। शट अप, कैसी लग रही भाई? दिख रहा है, मैंने अनम को आज पहली टाइम बोला हॉट लग रही, और ये शर्ट अनम ने मुझे गिफ्ट किया है तो मैंने शायद इसलिए बोला। तो मेरे पीछे, थैंक्स। ये देखो ड्रोन शॉट चल रहे हैं लोग, और वाओ इट्स नाइस। ठीक है हम लोग ने अभी बहुत सारा मस्त मस्त फुटबॉल खेला है, इतना गंदे बॉल के साथ, हल्का फुल्का इतना फुसकी बॉल जी रहती है भागना, मतलब नेक्स्ट लेवल का टास्क। 5 सेकंड के अंदर थक जाते हैं, एग्जैजरेट करो, पर 50 सेकंड में तो पक्का थक जाते हैं। क्या बॉम्ब पिक्चर आई है मेरी मान में। हाँ चल अभी आ जा, अपुन आ जाएगी, अभी मुझे डांस वीडियो बनाना है, बाय। काफी थकान हो रही यार इसमें चलने के लिए,
अभी हम लोग जा रहे हैं सैंड बोर्डिंग करने के लिए, ट्राई करते देखते होता है नहीं होता है, जो भी है देख लेंगे करके। जैद भाई यार मस्त लग रहा है यार। क्या हो गया क्या हो गया? वेट वन मोर ट्राई। टाइट टाइट थोड़ा टाइट। क्या बात है। तो गाइस मैं फाइनली करने जा रहा हूँ ट्राई, पता नहीं अभी क्या आता है। वहाँ पे वो खड़ा है, मेरा स्लोमो वीडियो ले रहा है, देखते हैं मैं गिरता हूँ या क्या करता हूँ कि कैमरा में आई रख रहा हूँ। तो मैंने कर लिया हो और बहुत ही थकान था नीचे से ऊपर आना। स्वीट गाइस या बचते हैं। चलो गो गो गो। क्या प्यारा लग रहा है यार ये। आई गेस जैसा मुझे दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, इतना प्यारा प्यारा दिख रहा है। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ क्योंकि हम लोग ने बहुत स्टीप स्लोप पे, कैमरा वैमरा में दिख नहीं रहा था बट काफ़ी नीचे हम लोग गए थे। यहाँ पे भी कैंप है मस्त हम लोग का ही। यहाँ पे आई गेस डिनर होगा। ये नंगा आदमी घूम रहा है। गाइस मैं सबका शूट करता हूं। बहुत ही प्यारा माहौल हो गया यहाँ पे, ऐसे मून है यहाँ पे और एकदम डिम है, मतलब यूजुअल डेजर्ट के कैंप्स की तरह नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एकदम प्यारा सा एकदम ऐसे बज रहा है गाना। सबके अपने अपने शैक्स है जो कि एकदम डिम डिम है। यहाँ पे सब ऐसे ड्रिंक्स जिसको पीना है उसको कोक पीना है पानी पीना है यहाँ पे है। गाना बज रहा है और ये साइड जो है यहाँ पे है खाने पीने का जगह और यहाँ पे अपने लोग शूट कर रहे हैं। कैमरा। सो हाय आई एम बैक। आई वाज शूटिंग और ये रोप बहुत ही गंदा है, इसमें चुप गया हुआ तोड़ के। बट एनी वे आप लोगों को मैं बताती हूँ यहाँ से। ये मुझे ना वैसी फील दे रहा है, अफगान चले भी फरे भी ओ बिंत दिल में। मेरे मुंह से तो कॉपीराइट नहीं होगा ना? आएगा तो तेरे से पैसे लगाने। आई डोंट थिंक मेरे वो कैसे करते हैं इसको, क्या कैसे करने कैमरा फ्रंट तोड़ देती। मस्त लग रही है लाइट। यार लाइट कितनी अच्छी आ रही है, चुभ रहा है। लाके दू कुछ ब्रांडेड। यहाँ पे ऐसे थोड़ा बॉनफायर ऐसे सेटअप है, पता नहीं अब इसमें सही में आग लगेगी या नहीं बट लगता तो है कि इसमें आग लगने वाली है। यहाँ पे सब ऐसे डाइनिंग एरिया है। ये जैद भाई है। Hello. Well, how should Alhamdulillah. Then
उनकी मर्जी। हम लोग लाइट दे रहे हैं और यहाँ शूट चल रहा है। सुल्तान लाइट दे रहा है, इज्जत भाई शूट कर रहे हैं। चैन चैन यू वांट टू सी, आई एम गोना रिमाइंड यू ऑफ बक से स्पाइडरमैन, वो निकालते हैं ना उसमें से सैंडमैन मारने के बाद उसको। हाँ। अभी हम लोग यहीं अभी हम लोग पूरा रेत रेत हो गए, तो अभी हम लोग हाथ धोने जा रहे हैं और हम लोग डिनर करने वाले अच्छे से मस्त। क्या हो गया? ऐसे लग रहा है मैंने बीच सेशन किया है। अरे तू स्केटबोर्ड चलाती ना तब मालूम पड़ता। देखो यहाँ लाइट नहीं। ओह शिट, कितने क्यूट बाथरूम्स है। था क्यूट सेटअप यार ये, मस्त है। अंदर भी बैठ के चिल कर सकते हैं। मस्त सेटअप है। हाँ गर्मी तो बहुत है। क्यूट बाथरूम है यार ये। वो चिलिंग एरिया ऐसे पॉटी करने बोर हो रहा है तो किसको बिठा के इधर बात करते करते करो। ऐसे पिज्जा बन रहा है। क्या क्या है भाई, हाथ धोने नहीं गया, सब कुछ आ गया। इतना सारा हमस आ गया, क्या क्या मस्त मस्त आ गया। जैद भाई कैसा लगा खाना? खाना मैं घास फूस खाता हूँ मोस्टली, तो मेरा खाना एक जैसा ही होता है हमेशा, बट अलग अलग टेस्ट में। सो आई लव माई फूड एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्दी फॉर माई ओन सेल्फ। सो आई वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू बी हेल्दी। थैंक यू सो मच। और कुछ आया ही नहीं है। क्या चाहिए? मैं ओनली सैलेड खा रहा हूँ, वो भी ओनली क्यूकम्बर का, बिकॉज और कुछ तो दिख रहा ही नहीं मुझे। तू देख क्या मस्त दिख रहा है। अच्छा दिख रहा हूँ। सॉल्टी तेरी प्लेट क्यों खा लिए? इतना इंटेंस म्यूजिक बज रहा है डिनर पे, और बहुत महीनों बाद ऐसे बाहर बैठ के खुले आसमान के नीचे मैं डिनर कर रहा हूँ सब अपने दोस्तों के साथ में। अच्छी वाली वाइब आ रही है, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, बैक टू नॉर्मल वाली। बहुत टेस्टी था, अभी मैंने हमस खाया था, अभी और भी चीज़ें आ रही है। और शेफ यहाँ का 5 स्टार का शेफ है यहाँ पे, 7 स्टार। तो 5-7 कोई तो स्टार का है यहाँ पे शेफ, जो कि मस्त खाना बना रहा है, बहुत मस्त। तो मैं डेजर्ट में आया था, मुझे लगा था कि यहाँ पे होगी काफ़ी ठंडी, मैंने बैग में एक्स्ट्रा टी शर्ट भी कैरी किया था, बट बहुत अच्छा वेदर है, मतलब एकदम मुंबई जैसा है। तो गाइस अभी मस्त वाला फायर शो चालू है, रुक जाओ दिखाता हूँ आपको। मजा आई ना? ये मुझे देना, ठीक है? मेरा स्टोरेज फुल हो गया शूट करते करते। ले लेना, तेरा ही फोन है। क्या बोल रहा है? सॉल्टी मेरे को रॉ पिक्चर नहीं दे रहा। नहीं दे रहा ऐसे रॉ पिक्चर, क्योंकि कैमरा वाला फोटोग्राफर का रहता है एक। हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। उफ, मैंने कितने टाइम से मेरे YouTube के लिए कुछ बनाया नहीं है। हां बना ली ना मेरे वीडियो, बट मैं आई प्रॉमिस मैं बनाऊंगी। फिर तेरा कब आएगा पता नहीं, बट ठीक है। ब्रो रेडी है मेरा कल का वीडियो। अभी मुझे चढ़ना पड़ेगा यहाँ देखकर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, और बहुत थकान वाला था, हम लोग बहुत चले, फोकस नहीं हो रहा आज भी है। तो अभी हम लोग पूरा सब खा पी के सब रेडी हो चुके हैं, अभी वापस घर जाना है।
वो नींद आ रही है। हाँ बहुत थक गए मैं, वो जो सैंड बोर्डिंग करना था ना उसमें मेरी फट गई थी, क्योंकि नीचे आना इजी था, इजी मतलब वो भी इजी नहीं था। तूने? हाँ तू देखा नहीं उसके बाद, लेकिन फिर ऊपर आना वो सैंड बोर्ड लेके, क्योंकि बहुत स्टीप स्लोप था, ऐसा कैमरा में समझ में नहीं आ रहा था, बट खाना मजा आ गई खा के, बहुत यम्मी था। हाँ हाँ ऐसे, और डेजर्ट भी बहुत अच्छा था, और डेजर्ट भी अच्छा था। और एक स्पेशल चीज है वो तुमको व्लॉग में दिख जाएगी। क्या वो वाली? वो घर वापसी उल्टा पुल्टा होके जाएंगे अभी हम लोग। ये देखो ये तो अभी से उल्टा हो रही है, दिख नहीं रहा क्या? बाय बाय कैंप, इट वाज नाइस मीटिंग यू, यू लाइक इट? नाइस, या अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वेरी काम क्वाइट पीस। ये कैमल, इसको कैमल दिख रहा है बट कैमरा में नहीं दिख रहा कैमल, अंधेरा हो गया बहुत। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग घर आए हैं, मैं जल्दी से जाता हूँ शावर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों को। मुझे हेयर ब्रश मेरा भाग गया था, मैं नहीं यूज़ करता हेयर ब्रश। नहीं वो लोग आ रहे हैं अभी, मैं मस्त नहा आ के फ्रेश होके मेरे नाइट सूट में आके वापस व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत थकान भरा था, बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें की, लेकिन वो सैंड में चलना इतना थकाने वाला था ना कि हम लोग सब बस मतलब ऐसे थे कि बस घर पे आओ लेटो, बट सब नहा वहा के अभी रेडी है। हम लोग ने ऑलरेडी डिनर कर चुका है बट फिर से भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। आज का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, मतलब एकदम सटल और मतलब क्लासी था, ऐसे जो हमेशा दूसरे डेजर्ट्स में होता है वैसे नहीं था, जिसमें मतलब सैंड ड्यूनिंग होती है, क्वाड बाइक्स होती है, डर्ट बाइक्स होती है और भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। ये वाला जो कैंप था ये एक्चुअली थोड़ा ऐसे ऐसे एनिमल रिजर्व के पास था, तो उन लोग एक्चुअली नेटवर्क तो था ही नहीं, दूसरे कैंप्स में वाईफाई होता है, उन लोग वाईफाई भी नहीं रखे थे। उन लोग को ऐसा था कि मतलब हम लोग को ये क्लीन एनवायरनमेंट है, इसको ख़राब नहीं करना है, इसलिए क्वाड बाइक्स और भी दूसरी तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती वो सब नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सुकून था, कोई फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा था, सब अपने अपने में थे अच्छे से, मतलब फ़ोटोशूट्स वो सब कर रहे थे बट ऐसे फ़ोन में सोशल मीडिया या सब कुछ स्क्रॉल नहीं कर रहे थे। दूसरे दूसरे लोग भी थे मतलब ऐसे, और उन लोग सब ऐसे कोई कैंडल लाइट डिनर कर रहा था, तो कोई बर्थडे मना रहा था, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे। और थैंकफुली मतलब गर्मी तो थी नहीं, बहुत ही अच्छा वेदर था। मैं सोचा था कि वहाँ पे कुछ रहेगा क्वाड बाइकिंग वो सब, बट नहीं था, तो ठीक है ऐसे कोई गम नहीं है। कभी दूसरी टाइम व्लॉग करूँगा या दूसरी टाइम डेजर्ट जाऊँगा तब दिखा दूँगा आप लोगों को। तो बस इतना ही है आज के वीडियो के लिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो बिंदास, और ऐसे पूछ को देखो प्यार से निहारो और बस खुश रहो यार आप लोग। और क्या बोलना था मेरे को, हाँ अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, अगर आप दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। मैं तो थोड़ी देर में शायद एडिट करूँगा और सोने चले जाऊँगा, तो मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय।